आज मैं आपको आपके घुटनों के अंदर जो आवाजें आती हैं, जिसे आप कट कट की आवाज कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि उनका रीजन क्या है, और ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा कैसे उससे को ठीक किया जा सकता है, और उनके कारण भी बताऊंगा कि वो कारण है क्यों। देखिए, जो मेन कट कट की, चाहे वो घुटने ही नहीं, वो चाहे आपके कोई भी ज्वाइंट है, उसके अंदर वो आवाज इसलिए आ रही होती है क्योंकि आपकी जो जो ज्वाइंट्स है उसके अंदर ना हवा भर जाती है, वायु एक तरह से इकट्ठी हो जाती है। तो जैसे हम ज्वाइंट को जैसे कुछ करते हैं तो उसके अंदर की हवा रिलीज हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, हवा रिलीज हो जाती है। ये देखिए, इनके अंदर की हवा रिलीज, आप 20 मिनट्स बाद दोबारा करेंगे, वो हवा फिर से इकट्ठी हो जाती है। एवरी 20 मिनट्स आपकी कट कट की आवाज आएगी आएगी। तो अब बात करते हैं कि वो अगर आपकी उस कट कट की आवाज के साथ अगर आपको पेन भी है, पेन का रीजन क्या है, तो मैं उससे रिलेटेड अब बात करूंगा कि पेन का रीजन सबसे पहले क्या हो सकता है, आपके मसल का वीक होना है। आपके अगर आप एज्ड हो चुके हैं, जो लाइन होती है एक्चुअली घुटनों के बीच में लेयर्स होती हैं, तो वो उनका आपस में घिस जाने की वजह से आपस में जो बोन्स हैं वो टच करने लगती हैं, तो ये कारण हो सकता है। आपके जॉइंट्स के आसपास के मसल हैं वो वीक हो जाते हैं, तो ठीक है। तो इसको ठीक कैसे करें, मैं आज आपको, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बता दूँ ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। आप ना स्टार्टिंग के अंदर स्क्वाट्स वगैरह ना करें, एक्सरसाइज तो करें, ऐसी एक्सरसाइज करें जो जिसमें आप मसल्स को होल्ड कर सके। जैसे अगर आपके नीज में उनकी आवाज़ के साथ साथ पेन भी है तो होल्डिंग वाली एक्सरसाइज। होल्डिंग वाली एक्सरसाइज कैसे होगी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ के अकॉर्डिंग होल्डिंग वाली एक्सरसाइज है, आपके ऐसे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना जो आपके नीज हैं, जो उनको कवर कर रखा है, उन्होंने सेव कर रखा है। अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो धीरे धीरे वो मसल्स भी जो गैप है वो बढ़ा देंगे, एक्चुअली मसल का साइज बड़ा होगा। तो स्टार्टिंग कैसे करें, स्टार्टिंग के लिए आपने सिर्फ होल्ड रखना है आपको, ऐसे आप 15 टू 20 सेकेंड इसको होल्ड करके रखिए, देन रिलैक्स 5 सेकेंड, देन फिर होल्ड करके रखिए। स्टार्टिंग के लिए काफ़ी टाइम तक आपको ऐसे होल्ड करना है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनने लगेगी जो स्टार्टिंग के है। जब आपसे ये बिल्कुल होल्डिंग वाली एक्सरसाइज और अच्छी होने लगे, ठीक है, आप चाहे तो बैंड्स का यूज़ कर सकते हैं। बैंड्स को ऐसे जो आपकी टोज हैं वहाँ फंसा के अपनी काफ को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। ये देखिए, ये मसल्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं। किसी भी चीज़ से रबड़ वाली चीज़ से जो स्ट्रेचेबल हो, आप उसको, पैर को होल्ड कीजिए पीछे, ये देखिए मसल को मेरे देखिए वर्क कर रहा है, आगे पीछे पीछे भी होल्ड करके रखो, थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं आगे, ठीक है। अगर आपको और ईजी करना है तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं, होल्ड करके आगे भी होल्ड करके रखिए, देन पीछे भी ऐसी। अगर आपके और जॉइंट्स में पेन है, कट कट की आवाज़ के साथ साथ अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, जैसे एल्बो में पेन है, इसके अंदर भी सेम आपने होल्डिंग वाली ट्राई करनी है। जैसे पुशअप की पोजीशन में आ जाइए, चाहे आप लेवल अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है, ये सिर्फ आपने ऐसे होल्ड करके रखना, थोड़ी बेंड करके, धीरे धीरे आपके जो मसल हैं वो यहाँ से आर्म्स के जो मसल हैं वो उनको कवरिंग करना शुरू कर देंगे। ये भी आपने 20 टू 30 सेकेंड होल्ड करके थोड़ा सा रिलैक्स, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ अपने आप मसल डेवलप होते जाएंगे और आप इजी करते जाएंगे। देन इसे धीरे धीरे अपने लेवल पे, जैसे पुशअप लगाने स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे आप इस चीज़ से रिकवर करते जाएंगे। जिनसे ये नहीं होगा और भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दो नॉर्मल खड़े रहना एंड होल्ड करके रखना, आपके मसल धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपने क्या करना है, स्क्वाट्स पे आ जाना है। स्क्वाट्स के अंदर ये देखिए मसल अपने आप, ये मसल अपने आप शो होते हैं क्योंकि इन पे इफेक्ट आ रहा होता है ये। और ध्यान रखना आपने विदाउट शूज करने ये, ठीक है। धीरे धीरे ये मसल आपके देखना स्ट्रोंग होने लग जाएंगे और आपका पेन भी जाना शुरू हो जाएगा। और क्या करना है, आपने स्ट्रेचिंग भी साथ में इन्वॉल्व करनी है। स्ट्रेचिंग किस चीज़ की करनी है, जो फ्रंट है क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की। क्वाड्रिसेप्स की जो इजी स्ट्रेचिंग है, वो आप नॉर्मल खड़ी हुई है अपने टोज को स्ट्रेच कर दीजिए, इसका फ्रंट पोर्शन स्ट्रेच हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जो मसल के फाइबर हैं वो आपस में, वो अपनी अलाइनमेंट में नहीं रहते, वो भी कारण हो जाता है कि नी में है वो पेन होने लग जाता है। मसल फाइबर की अलाइनमेंट सही हो जाएगी तो आपका पेन भी सही नहीं होगा। दूसरी हैमस्ट्रिंग की, हैमस्ट्रिंग को आपने नॉर्मली ऊपर रखना है, ठीक है, और आपने सिर्फ माइल्ड स्ट्रेच पे आगे होल्ड करने की ट्राई करनी है। 30 सेकेंड होल्ड एंड 5 सेकेंड रिलैक्स, फिर 30 सेकेंड होल्ड एंड 5 सेकेंड रिलैक्स, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिससे आप अपने नी, अगर घुटनों में आवाज़ के साथ अगर पेन है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बिल्कुल आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और
कनाल प्लस के चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।